अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह नाश्ता किया है, चाय बिस्किट के साथ नाश्ता किया है और मौसम बड़ा ही ठंडा और खुशगवार है। बादल हैं, सुबह बारिश भी हुई है। उमेर भाई, उबैद भाई मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए। आज कोई ख़ास प्रोग्राम है तो नहीं, देखते हैं कि मौसम कैसा रहता है, फिर उस हिसाब से बनाएंगे। अच्छा जी, कल जैसे यहाँ पर पहुँचे तो रिश्तेदार जमा हो गए थे, तो उनके सामने फिर कैमरा उठा के व्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो रात को बस जो खाना वगैरह खाया तो एंडिंग में वो लगा दिया था, तो कल का व्लॉग ऐसे ही क्लोज़ कर दिया। और ये है कि आज कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है, देखते हैं मौसम किस चीज़ की इजाज़त देता है। बहरहाल ये है कि अगर मौसम सही रह गया तो फिर यहाँ से निकलेंगे वापसी अहमदपुर की तरफ, और वहाँ से देखते हैं फिर कोई प्रोग्राम बन गया। तो बारिश शुरू हुई नहीं है कि भई लाइट पहले चली गई है, तो अभी सिर्फ हिम्मत फैन से हवा खा रहे हैं और देखते हैं लाइट कितने बजे तक आती है। उमेर भाई मज़े से अब मोबाइल चला रहे हैं और हम पंखा चला रहे हैं। आज मौसम बड़ा इफान है, सुबह बारिश थी तो पता नहीं फिर कब बारिश आ जाए। तो कादिर भाई आए हुए थे तो कादिर भाई के साथ सीधा चले आज अहमदपुर। उमेर भाई अभी उमेर भाई के पास। गर्मी बहुत है, रास्ते में रुके हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, फिर आगे निकलते हैं। अभी मैं जीटी रोड पे मौजूद हूँ और अहमदपुर शहर से कुछ सामान वगैरह लिए जानवरों के लिए, तो बस अब सीधा घर की जाने जा रहे हैं। घर पहुँच के फ्रेश वगैरह हुआ हूँ और अभी थोड़ी रेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं फिर क्या प्रोग्राम बनता है। जैसे बात ये कि परसों की वापसी कराची की तरफ ना, तो ज़्यादा देर बंदा रिश्तेदारों के यहाँ रुक भी नहीं सकता, इस वजह से कल शाम को निकल गए थे कि चलो भाई एक रात बंदा ठहर के आ जाए। तो फिर आज कादिर भाई आ रहे थे तो मैं उनके साथ आ गया। उमेर भाई भी इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों में या शाम तक आ ही जाएंगे, तो फिर देखते हैं कुछ प्रोग्राम बनता है। तो अभी